एक बड़ी खुशखबरी है, इस्तकबाल फरमा। आपसे गुजारिश करता हूँ कि मुजफ्फर महमूद जान का इस्तकबाल फरमा। क़यामुद्दीन भाई से मैं गुजारिश करूँ, अल्लाह सलामत रखे। तो इस्तकबाल में सुनील भाई से गुजारिश करता हूँ कि जावेद भाई कब इस्तकबाल से वाबस्ता है। हमी शद्दा साहब का इस्तकबाल होना चाहता है। अनिल भाई और सुनील भाई, विलास भाई, ये तीन अहबाब जो है तमाम मेहमानों, हमी शद्दा साहब से गुजारिश करता हूँ जहाँ कहीं तशरीफ रखते हैं ढाई सौ तशरीफ लाए। इमरान खतीब साहब, अभी शंभू उस गांव के नेता है, मैं बचपन होश संभाला जब से आज मुशायरा इसलिए भी अजीम है कि ये मुशायरा मास्टर अनीक अहमद साहब की सरपरस्ती में हो रहा है, हमीद शद्दा साहब की सरपरस्ती में हो रहा है, सैफुद्दीन साहब की सरपरस्ती में हो रहा है। और मैं एक बात बताता चलूं कि यहाँ कुछ ऐसी सियासी समाजी शख्सियत मौजूद है जो मुशायरे के कामयाबी की जमानत भी है और एकता की मिसाल भी है। मुझे शेर याद आता है, बतौर खास स्टेज से तवज्जो का तालिब मेरे बड़े भाई डॉक्टर खालिद नय्यर साहब से, कि ना तेरा है ना मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। आज के इस मुशायरे का संदेश ये है कि कौमी एकता हो जाए, हिंदू मुस्लिम एकता हो जाए। जब इस वक्त हिंदुस्तान के हालात पर नजर डाली जाए तो इकबाल साहिल ये महसूस करता है और यकीन है कि आप लोग भी महसूस करते होंगे कि बहुत जरूरत है एकता को बनाए रखने की। अल्लाह करे कि हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को कभी किसी की नजर न लगे, वो इसलिए कि चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है, कि चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। आइए दोस्तों, बात बहुत तवील होती जा रही है, वक्त बहुत कलील है, मैं ये चाहता ये हूँ कि बाज़ाब्ता मुशायरे का आगाज किया जाए। और आप लोग जानते हैं कि मुशायरे का आगाज नाते सरवरे कौनैन से होता है। इससे पहले कि मैं नात के शायर को पेश करूँ, हमद के ये शेर मुझे याद आते हैं वाहिद भाई के, हमद के शेर याद आते हैं कि तसव्वुर में ही कोई बात मियारी नहीं आती, कि तसव्वुर में ही कोई बात मियारी नहीं आती, तेरी तौसीफ में मुझको कलमकारी नहीं आती, इधर कहता है तू हो जा उधर हो जाता है फौरन, तेरे जैसी किसी को तेज रफ्तारी नहीं आती, इधर कहता है तू हो जा उधर हो जाता है फौरन, तेरे जैसी किसी को तेज रफ्तारी नहीं आती, धनक में रंग भरना बस तेरे ही बस में है मौला, किसी फनकार को भी ऐसी फनकारी नहीं आती। आइए दोस्तों, हमदे बारी ताला के बाद उस शख्सियत का जिक्र किया जाए जिसके सदके में दोनों आलम को वजूद बख्शा गया। नाते सरवरे कौनैन गुनगुनाने के लिए मैं कैसी आवाज को आवाज देना चाहता हूँ जिसने महाराष्ट्र ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में ये बात मनवाई है कि आवाज का जादू ऐसे भी चलाया जा सकता है। मेरी मुराद है मेरे बड़े भाई हजरत जावेद इशाती साहब से, इन मिसरों से आवाज देता हूँ कि ये वो दयारे शहे मुरसलीन है लाले, ये वो दयारे शहे मुरसलीन है लाले, जहां कतार में रूहुल अमीन है लाले, ये वो दयारे शहे मुरसलीन है लाले, जहां कतार में रूहुल अमीन है लाले, नबी के शहर ने थकने नहीं दिया वरना, नबी के शहर ने थकने नहीं दिया वरना, कमर में रॉड है दिल में मशीन है लाले। मेरी मुराद है हजरत जावेद इशाती साहब से कि वो आए और नाते सरवरे कौन, जिसने पढ़ लिया कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसने पढ़ लिया कलमा, अगर आप तक पहुंचाए तो सुभान अल्लाह की सदाए मुझ तक महसूस होना चाहिए। मैं हाजिर करता हूँ मुलायदा पर, जिसने पढ़ लिया कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसने पढ़ लिया कलमा
जिसने पढ़ लिया कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह समझो हो गया क्या कहने का ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह समझो हो गया रब का ला इलाहा इल्लल्लाह और शेर बुलाहिदा फरमाए मतलब अच्छा था एक मर्तबा दोनों हाथ उठाकर कह दीजिए सुभान अल्लाह अल्लाह आपको सलाम समझो हो गया रब का ला इलाहा इल्लल्लाह जातु सिकिला फानी आहा सुभान अल्लाह सारी दुनिया फानी है क्या कहने जावेद भाई सुभान अल्लाह जातु सिकिला फानी सारी दुनिया फानी है सारी दुनिया फानी है जातु सिकिला फानी हम ना होगे पर होगा ला इलाहा इल्लल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह और एक शेर और पेश करता हूँ समझो का मुलायदा फरमाए अनिक भाई जी इरशाद अली हम ना होगे पर होगा ला इलाहा इल्लल्लाह अमित भाई या शिया हो आए जावेद सुन्नी हो वहाबी हो क्या कहने या शिया हो आए जावेद सुन्नी हो वहाबी हो या शिया हो आए जावेद सबका एक ही नारा ला इलाहा इल्लल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जावेद भाई जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ जावेद सुन्नी हो वहाबी हो सुन्नी हो वहाबी हो या शिया है जावेद सबका एक ही नारा ला इलाहा इल्लल्लाह समझो हो गया रब का और चंद शेर नाते पाक की आपकी खिदमत पेश करता हूँ फिर इसके बाद आप समाप्त मतलब हाजिर करता हूँ इरशाद अली मतलब पेश कर सो समाप्त फरमाए जो है हज का महीना शुरू हो गया माशाल्लाह नई पाक नई नाते पाक मेरे जहन में आ गई है तो पुरानी लेकिन पहली मर्तबा पढ़ रहा है नूर हक मीनारा जमीन पर सुभान अल्लाह चमका है नूर हक का मशीन अल्लाह ने कुरान उतारा जमीन पर सुभान अल्लाह चमका है नूर हक का मीनारा जमीन पर अल्लाह ने कुरान उतारा जमीन पर धरती पर लगी रूही सर धरती पर लगी रूही सर पलंगिया जब आ गया रसूल हमारा जमीन पर उनका नूर हक का मीनारा जमीन पर निसार भाई निगस फरमाऊं शेर मुलायदा फरमाए आए हाजियो रसूल ये रोजे
जाओ दुआ फरमाइए अल्लाह हमें भी उस मुकद्दर बयान के हवाले से आए हाजियो रसूल के रोजे पे जाओ तुम रोजे पे जाओ तुम आए हाजियो जन्नत का जाके कर लो नजारा जमीन क्या करने सुभान अल्लाह कुरान उतारा जमीन पर सुभान अल्लाह जावे बेटा ऐ हाजियो रसूल के रोजे पे जाओ तुम रोजे पे जाओ जन्नत जाके कर लो नजारा जमीन अरे 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 फलसफा पेश कर रहा हूँ इस्लाम की तारीख का लिहाजा फरमानिक भाई सब का फुदा भाई सुनिएगा नहीं सर भाई भाई जमीन का ऐसा मुलायदा फरमा इरफान भाई सबका खुदा सबका खुदा है एक खुदा का नबी हूँ मैं खुदा का नबी हूँ मैं सबका खुदा है एक खुदा का नबी हूँ मैं सब को मुस्तफा ने पुकारा जमीन पर चमका है नूर हक का मीनारा जमीन पर हर दरिया मदीने रखता है इस तरह दरख्शा है इस तरह रोशन हो गए कोई सितारा जमीन पर अल्लाह ने कुरान उतारा जमीन पर